नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे यदि आप बजाज फिनसर के एमआई कार्ड से किसी प्रकार की सामान को परचेज किए उसका एमआई आपके जिस भी बैंक अकाउंट से कट रहा है उस बैंक अकाउंट को यदि आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, आप बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे ही अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं बजाज फिनसर के एमआई कार्ड से। कैसे आप चेंज किया, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप देख पाएंगे बजाज फिनसर UPI लोन FD, आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन जब कीजिएगा उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। मेरा पहले से इसमें रजिस्टर किया हुआ है। उसके बाद आपने अकाउंट को चेंज करने के लिए इस कार्ड के साथ कि आपको ऊपर में ऑप्शन मिल जाएगा EMI कार्ड, आपको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके अपना कार्ड वगैरह चेक यहाँ से कर सकते हैं। क्या आप देख पाएंगे ये मेरा कार्ड है। इस कार्ड के साथ जो मेरा EMI कार्ड रहा है, यदि उस अकाउंट को हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा किस प्रकार का आप सामान परचेस किया, आप उसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे हम ओप्पो का फोन परचेस किए हुए हैं, उसके बाद मेरा जिस भी अकाउंट से पैसा कट रहा है हम उसको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में और ऑप्शन मिलेगा अकाउंट चेंज करने के लिए अकाउंट का, आप देख पाएंगे आपको इसी अकाउंट को पर क्लिक करूँगा। जैसे अकाउंट को पर क्लिक कीजिएगा आपको ऊपर में ऑप्शन मिलेगा देखिए व्यू ऑल का, आपको इसी को पर क्लिक करना होगा। जैसा व्यू ऑल को पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा वही सामान का जो कि आप परचेस किए होंगे इस कार्ड से। उसके बाद आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा अपना बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे चलेगा, नीचे आने के बाद क्या आपको लोन डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। इसी को इस पर जब आप स्लाइड कीजिएगा आपको ऑप्शन मिलेगा देखिए बैंक डिटेल का, आपको बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जो भी आपका पहले से बैंक अकाउंट ऐड रहेगा बजाज फिनसर के EMI कार्ड के साथ, आपको देखिए उस बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, पूरा डिटेल लिखा हुआ मिल गया। इसको चेंज करने के लिए आपको नीचे में ऑप्शन देखिए मिल गया चेंज बैंक अकाउंट, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। जैसे उसके ऊपर क्लिक किया देखिए सबसे ऊपर में आपको आपका कस्टमर आईडी शो हो जाएगा, जिस भी बैंक अकाउंट को आप ऐड करके रखे होंगे आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा चेंज करने के लिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक किया तो अपना बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए आपको कुछ चार्ज भी पे करना होगा। क्या आपको चार्ज पे करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए आपको देखिए ऑप्शन मिल गया क्लिक हियर व्यू फी एंड चार्ज, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा चार्ज के बारे में जानने के लिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया देखिए आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा आपको 450 रुपये का चार्ज देना होगा अपना इस बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए, अर्थात EMI कार्ड में न्यू अकाउंट ऐड करने के लिए आपको 450 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि आप अपना बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं और ये चार्ज कटाना चाहते हैं आपको फिर नीचे चले जाना होगा। जैसे आप यहाँ सबसे नीचे आएगा आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखिए प्रोसीड, आपको फिर इसी प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कुछ लिखा हुआ फिर से मिल जाएगा आपका लोन का जो EMI कार्ड है उसके लिए चार्ज जो भी आप पे कर रहे हैं, जो न्यू बैंक अकाउंट ऐड कीजिएगा उस बैंक अकाउंट से फिर आपका EMI कटना स्टार्ट हो जाएगा। आपको फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा, आप एक बार अच्छे से उसको रीड भी कर लीजिएगा। क्या आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा तो आपका जो भी नाम रहेगा ऊपर में आपका नाम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, यहाँ भी आपका ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। आपको फिलअप क्या करना होगा तो आपको अपना IFSC कोड जो कि न्यू बैंक आप ऐड करना चाहते हैं उस बैंक का क्या IFSC कोड है आपको वो IFSC कोड यहाँ डालना होगा। नीचे में अकाउंट नंबर, आप कौन सा अकाउंट नंबर ऐड करना चाहते हैं, किस अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं अपना EMI, आपको वो यहाँ से अकाउंट नंबर ऐड करना होगा। उसके बाद किस प्रकार का आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, आपका जो भी अकाउंट आपको उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे फिर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। जब अपना अकाउंट नंबर डालिएगा तो आपके अकाउंट में देखिए 1 रुपया सेंड किया जाएगा आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो जैसा आप यहाँ देख पाएंगे हम अपना IFSC कोड, अपना अकाउंट नंबर डाल दिए, उसके बाद सेविंग मेरा अकाउंट है सेविंग को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको इसी प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे आपका आपका जो भी पहले से ड्यू रहेगा वो ड्यू यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद कब से आपका ड्यू कट रहा है, कब तक कटेगा वो डिटेल भी यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद इसी बैंक अकाउंट से आप कटेगा जो आप न्यू बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आपका नाम वगैरह पूरा डिटेल में यहाँ से हो जाएगा। नीचे में आपको कुछ ऑप्शन मिला जैसे कि देखिए सिलेक्ट वेरिफिकेशन, आपको यहाँ से अपना वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की आवश्यकता पड़ेगा, दोनों में से किसी के माध्यम से आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं अपने अकाउंट को। उसके बाद टर्म कंडीशन में इसको एक्सेप्ट करेगा,
उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस में का देखिए बोल रहा है डेबिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। आपको अपने डेबिट कार्ड से इसे वेरीफाई करना होगा। आपका अकाउंट नंबर पूरा डिटेल में यहाँ शो हो जाएगा। नीचे आने के बाद आपको देखिए डेबिट कार्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा, अर्थात डेबिट कार्ड का नंबर आप देख पाएंगे। डेबिट कार्ड डिटेल आपको डालने के लिए कह रहा है, आपको कुछ समय यहाँ मिल जाए। इस समय के अंदर में आपको अपना डेबिट कार्ड का नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट, सीसीवी नंबर, आपको ये पूरा डिटेल डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया डालने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद इसी अकाउंट से आपका पेमेंट फिर कटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका पेमेंट होगा वो 450 रुपया वो आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा इस अकाउंट को ऐड करने के लिए। तो आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड नहीं करना चाहते क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो बिल्कुल सब कुछ सही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके साथ कोई समस्या रहेगा तो आप अपना अकाउंट चेंज करना हो तो आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। हम चेंज नहीं करना चाहते इसलिए यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे। आज जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।